टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग डायग्नोस्टिक प्रोसेस का एक पार्ट है। डायग्नोस्टिक प्रोसेस के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज हिस्ट्री टेकिंग, देन फिजिकल एग्जामिनेशन, देन इन्वेस्टिगेशन। आज हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं हिस्ट्री टेकिंग को। हिस्ट्री टेकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसेस। इट्स एक्चुअली एन इंटरव्यू विद द पेशेंट एंड डिफाइंड एज टू नो अबाउट पेशेंट्स इलनेस एज ही नोज। कुछ लोग सोचते होंगे कि हिस्ट्री टेकिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, जबकि हाई इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल हैं, हम लैब टेस्ट करवा के आसानी से पता कर सकते हैं कि पेशेंट को इश्यू क्या है। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि लैब टेस्ट आर जस्ट डेटा, नॉट नॉलेज। अगर हमें पेशेंट की प्रॉब्लम का ही नहीं पता होगा तो हम उसके टेस्ट कौन से करवाएंगे। हमें पेशेंट की बीमारी का आइडिया ही नहीं होगा तो हम लिख के देते रहेंगे कि ये टेस्ट करवा लें, ये टेस्ट करवा लें। इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। इससे ना सिर्फ पेशेंट का पैसा जाया होगा बल्कि टाइम भी वेस्ट होगा, और ये दोनों चीजें पेशेंट के लिए अफोर्डेबल नहीं होती। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशंस की कोई वैल्यू ही नहीं होती। सबसे पहले आप गुड हिस्ट्री लें, देन पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएं, अपने माइंड में एक रफ डायग्नोसिस बनाएं, देन डू इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड टू कंफर्म योर डायग्नोसिस। अब हम बात करते हैं कुछ गाइडलाइंस की जो हिस्ट्री टेकिंग के लिए जरूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पेशेंट दैट आई एम योर डॉक्टर। पेशेंट से उसी की लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करें। ये ना हो कि आप इंग्लिश में बात करते रहें और पेशेंट आपको देखता ही रहे कि डॉक्टर साहब पता नहीं क्या बोल रहे हैं। पेशेंट को अगर उर्दू की समझ आती है तो उससे उर्दू में बात करें। इवन बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिन्हें उर्दू की भी समझ नहीं आती, पंजाबी की समझ आती है, तो उनसे पंजाबी में बात करने की कोशिश करें। इन शॉर्ट, वो लैंग्वेज यूज करें जिसे पेशेंट अंडरस्टैंड कर सके। एंड बी कॉन्फिडेंट एंड जेंटल। अगर आप पेशेंट से रूडली बात करेंगे तो वो कभी भी आपके पास दोबारा नहीं आना चाहेगा। इवन वो आपको कंप्लीट हिस्ट्री भी नहीं दे पाएगा। एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहले पेशेंट को सुने, उसके बाद नेसेसरी क्वेश्चंस करें अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए, और फिर हिस्ट्री राइट करें। ट्राई करें कि पेशेंट को इंटरप्ट ना करें, पेशेंट को अपनी बात कहने दें। बट अगर इंटरप्शन जरूरी है कि पेशेंट अपने ट्रैक से ही उतर रहा है, तो इंटरप्शन टाइम्ड एंड प्लान्ड होनी चाहिए। पेशेंट से लीडिंग और क्लोज क्वेश्चंस ना करें, मतलब वो क्वेश्चंस जिनका आंसर यस और नो में हो। मतलब पेशेंट से ये नहीं पूछना कि क्या आपके बाजू में दर्द है, आपकी टांग में दर्द है, बल्कि आप पेशेंट से ये पूछें कि आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द है तो बताएं। पेशेंट को इनकरेज करें कि वो अपने सिम्टम्स की कंप्लीट हिस्ट्री दे, और पेशेंट के साथ मेडिकल टर्म्स यूज नहीं करनी, और कोई प्रीवियस ऐसा डायग्नोसिस एक्सेप्ट नहीं करना जब तक ये श्योरिटी ना हो कि ये डायग्नोसिस डेफिनेट एक्सटर्नल टेस्ट जो इस डायग्नोसिस के लिए रिक्वायर्ड है उन टेस्ट की बेस पे बनाया गया है। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट आपको कहता है कि उसे पेप्टिक अल्सर है, लेकिन उसने बेरियम मील एक्सरे नहीं करवाया या गैस्ट्रोस्कोपी नहीं करवाई, तो हम इस डायग्नोसिस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जब पेशेंट आपसे बात कर रहा हो तो ट्राई करें कि कुछ राइट ना करें। इससे पेशेंट को लगेगा कि आपकी अटेंशन पेशेंट की तरफ है ही नहीं। लेकिन अगर आपको फील हो कि कुछ पॉइंट्स आपके माइंड से स्किप हो सकते हैं, तो आप शॉर्ट और ब्रीफ नोट्स राइट कर सकते हैं। और जब पेशेंट के साथ इंटरव्यू खत्म हो जाए तो फिजिकल एग्जामिनेशन से पहले आप डिटेल्ड हिस्ट्री राइट कर लें, ताकि कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे डेमोग्राफिक डाटा। डेमोग्राफिक डाटा में पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस राइट करेंगे। नेक्स्ट राइट करेंगे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, सिस्टेमिक इंक्वायरी, पास्ट हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री, एंड लास्ट वन इज ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। मोस्टली हिस्ट्री रिकॉर्ड करने के लिए यही सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, लेकिन अगर आप कुछ पॉइंट्स को आगे पीछे भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। like, आप फैमिली हिस्ट्री से पहले पर्सनल हिस्ट्री राइट कर सकते हैं, या पास्ट हिस्ट्री से पहले ट्रीटमेंट हिस्ट्री राइट कर सकते हैं, लेकिन डेमोग्राफिक डाटा के बाद सबसे पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेंट राइट करें। हिस्ट्री टेकिंग मेडिकल प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हिस्ट्री टेकिंग पे कमांड ही एक एक्सपीरियंस डॉक्टर को न्यूली ग्रेजुएटेड से डिफरेंशिएट करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री टेकिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप हिस्ट्री टेकिंग को डिटेल में समझना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।